हाई एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्ट स्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो लेट एस सी दैट नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में यूनिवर्स आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आप लोग क्या जान सकते हो एंड वट इज़ कमिंग ये एक जनरल रीडिंग होगा सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आप वहां से जाके देख सकते हैं वी हैव द टेन ऑफ कप्स किंग ऑफ कप्स एट ऑफ स्ट्रेंथ ब्यूटिफुल एनर्जीज है, uh, uh, है यहाँ पे ओके वी हैव टू ऑफ कप्स फाइव ऑफ कप्स एंड द सेवन ऑफ सो ओके कलेक्टिव बॉरम डेक एनर्जी भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेना चाहती हूँ दैट इज द ऑफ एनर्जी फ़र्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिव नेक्स्ट 24 फोर आवर्स में जो होने वाला है दैट इज़ अ ल लॉर ऑफ पॉजिटिविटी या पॉजिटिव डिरेक्शनज आपके सामने खुल जाएंगे कुछ कुछ एरियाज़ ऑफ लाइफ जहाँ पे आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं लग रहा था या आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस मैटर ये मैटर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है या इस इंसान से मेरा रिश्ता ख़त्म होने वाला है या इस एग्ज़ाम में मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा सो वॉटर आपको लग रहा था कि कोई चीज़ में कोई एरिया ऑफ लाइफ में आप अच्छा नहीं करने वाले हो या इसमें अब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है ये आपका हेल्थ सिचुएशन हो सकता है किसी का आप सडनली वहां पे इम्प्रूवमेंट देखेंगे आप सडनली आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा या आप तक कुछ इंफॉर्मेश कुछ कम्युनिकेशंस पहुंच सकता है कुछ भी डेवलपमेंट हो सकता है चेंज एक्शन मूवमेंट जिससे आपको ये यकीन होने लगेगा दैट नहीं मैं गलत था इस सिचुएशन में भी डेवलपमेंट पॉसिबल है इस सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी पॉसिबल है या कुछ बेटर हो सकता है ये सिचुएशन यहां पे एंड नहीं होने वाला ये सच इस इंसान से मेरा रिश्ता खत्म नहीं होने वाला या वट एवर दैट इज ओके सो डेफिनेटली समथिंग बेटर इज कमिंग ठीक है ऑल्सो आई आई डेफिनेटली सी अ लॉर्ड ऑफ अटैचमेंट आज आप फील करेंगे लोगों से अगर आप थोड़े से अनइमोशनल टाइप के पर्सन है जो बहुत प्रैक्टिकल है जो बहुत मेथोडिकल लॉजिकल इंसान है तो आपको सडनली महसूस होगा कि कुछ लोगों की एनर्जी है जो आपको खींच रही है उनके तरफ पुल कर रही है उनके तरफ या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं लवर हो सकते हैं कलिग्स फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो सकते हैं एंड ये जो एट्रैक्शन या पुल है ये सिर्फ रोमांटिक है मैं नहीं कहूँगी दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी फ्रेंडली वन आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ ये इंसान सच में मेरे काबिल है या ये इंसान लाइक like, इसके साथ में वाइब कर सकता हूँ या ये इंसान सच में मुझे समझ सकते हैं इस इंसान में वो पोटेंशियल है या इस इंसान की बातें सुन के मुझे लगता है कि ये मेरे सोलमेट हो सकते हैं या आ, हमारे बीच में आगे जाके कुछ हो सकता है सो आपको लोगों में कुछ लोगों में सारे लोगों में नहीं कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोगों में या एक इंसान में कुछ ना कुछ पोटेंशियल दिखेगा जिस वजह से शायद आप इस इंसान को अप्रोच करोगे या तो रोमांटिकली या तो एज अ फ्रेंड या तो तो अगर ये आपके फैमिली मेंबर है तो बस आप थोड़ा सा अपना रिश्ता इस इंसान से बेटर करने की कोशिश करेंगे एंड ये वाइस वर्सा हो सकता है कि वो इंसान भी सेम चीज करे आपके साथ वो खुद आके बात करे जिस वजह से आपको लगे कि हाँ सच में यहाँ पे कुछ हो सकता है या ये इंसान मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं इस इंसान से मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वरेवर सो दैट इज समथिंग कमिंग इन ठीक है लव लाइफ में देर विल बी अलॉर ऑफ इमोशनल एक्शन एंड मूवमेंट्स जो लोग एक प्रॉपर रिलेशनशिप में हो आई डेफिनेटली सी ये चीज आगे जा रहा है या एटलीस्ट नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में कुछ पॉजिटिव हो रहा है या तो आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे हो फ्यूचर प्लान कर रहे हो या कोई भी ऐसा जेस्टर रोमांटिक जेस्टर जो आपको स्पेशल महसूस करवाता है एंड आपको ऐसा लगता होगा इस चौबीस घंटे में दैट येस आपको पोटेंशियल दिखेगा या इस इंसान के साथ आप जो भी वक्त बिताओ जो भी बात करो आपको इसी में बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगा सो so, जो लोग एक नॉर्मल रिलेशनशिप मैरिज सिचुएशन में हो आज नेक्स्ट 24 फोर आवर्स में आपका टाइम बहुत ही अच्छा बीतने वाला है अब जो लोग किसी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में हो जहाँ पर सब ठीक नहीं है आई सी दैट कुछ पास्ट इशूज़ पास्ट ट्रामा पास्ट कॉन्फ्लिक्ट वापस आ सकते हैं एंड आई ऑल्सो सी दैट ये इसलिए वापस आ रहा है क्योंकि ये मैटर रिजॉल्व ही नहीं हुआ था इस मैटर में कभी आप लोगों ने एक प्रॉपर सोल्यूशन तक आप नहीं पहुंचे थे या अगर आपने लाइक सब कुछ सही कर भी लिया था समझौता कर लिया था पर किसी ना किसी या दोनों के मन में ये कुछ सवाल थे या कुछ नेगेटिविटी रह गया था जो कभी भी क्लियर आउट नहीं हुआ था एंड वही चीज वापस से आ सकता है मे बी किसी को ज़रूरी नहीं है कि आप कांटेक्ट में हो आप कांटेक्ट में नहीं हो अगर ये कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप है तो देर इज somebody जिसके मन में कुछ नेगेटिव ख्याल आ सकता है किसी पास्ट को लेके जो अभी तक सामने वाले को माफ़ नहीं किया है जो अभी तक किसी पास्ट ट्रॉमा से झेल रहा है कोई पास्ट बैगेज बार बार बीच में लेके आ रहा है या रही है जिस वजह से इस करंट सिचुएशन को भी ये इंसान नेगेटिवली हैंडल कर रहे हैं ऑल्सो किसी का एक्स यहाँ पे वापस आ गए हैं या आने वाले हैं एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ सेइंग इट इन एडवांस कि बहुत लोगों के लिए या तो आपका एक्स या आपके पर्सन का कोई अगर एक्स है देर इज़ समबडीज एक्स जो यहाँ पे बीच में एक uh, कबाब में हड्डी जिसे कहते हैं वो बनने वाले हैं ठीक है Uh, पर सबके लिए नहीं है ये कुछ गिने चुने लोगों के लिए है सो बी वेरी केयरफुल दैट अगर आपको ऐसा कुछ भी पता है या अगर ये आपके एक्स है तो uh, इस पास सिचुएशन को अपने प्रेजेंट लाइफ को खराब मत करने दीजिए ठीक है बिकॉज ये पर्सन इसीलिए वापस आए हैं इनका कोई बेसिक मोटिव नहीं है पर इस इंसान के वापस आने के लिए ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है इस रिश्ते पर आ जा सकती है सो बी वेरी केयरफुल दैट आपके लिए कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आपके पर्सन को भी ये सोचना होगा कि उनके लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनका पास्ट रिलेशनशिप सिचुएशन या ये प्रेजेंट रिलेशनशिप सो थोड़ा सा टर्मोइल होगा थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होंगे अभी इस कनेक्शन में फ़िलहाल ज़्यादा स्टेबिलिटी का एक्सपेक्टेशन मत रखिए लेकिन अगर आप थोड़े से पेशेंस के साथ दोनों मिलके हैंडल करेंगे मेच्योरली तो शायद कुछ ना कुछ हल निकल सकता है क्योंकि ये कनेक्शन एक्चुअली आप दोनों के हाथों पे है आप लोग इसे जैसे भी हैंडल करेंगे ये उसी डायरेक्शन में जाएगा सो बी वेरी केयरफुल करियर वाइज मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हो दैट इज फॉर श्योर नेक्स्ट 24 फोर आवर्स में आप जो भी कर रहे हो अपने 100 परसेंट एफ़र्ट के साथ कर रहे हो सो so आपके मन में ऐसा कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मुझे समय नहीं मिला या मैं ज़्यादा बिजी था या ये हो गया वो आप कोई रिग्रेट नहीं रख रहे हो आपको पता है आपने अपना 100 परसेंट दिया है एंड आप उस चीज़ से खुश हो ज़्यादा कुछ बड़े मूवमेंट्स नहीं होंगे करियर वाइज या फाइनेंस वाइज बट एटलीस्ट एक नॉर्मल फ्लो चलता रहेगा ऑल्सो पास्ट में क्या हुआ था इस चीज़ को लेके ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि अगर यू uh, नो you know, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट में आपने कुछ डील क्रैक नहीं कर पाए थे आप या कुछ इंटरव्यूज़ में रिजेक्शन मिला या कुछ एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं किए तो आपके मन में एक डर होता है या एक इनसिक्योरिटी uh, पैदा हो जाता है कि आगे भी ऐसा होगा या नेक्स्ट इंटरव्यू भी ख़राब होगा या मुझ में शायद कुछ कमी है दूसरे दूसरे लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें सो so ये एक फ़िक्स्ड मैंटालिटी रख के आप मत चलिएगा उससे क्या होगा आपका आने वाले दिनों का परफॉर्मेंस भी अफेक्टेड होगा ठीक है पास्ट में रिजेक्शन हो ही सकता है कुछ डील्स फ्लॉप हो सकते हैं इट्स नॉट अ बिग डील हर इंसान सब लाइफ में हमेशा ही सक्सेसफुल रहा है हर एक डील उसने क्रैक किया है ऐसा नहीं होता है इस दुनिया में परफेक्शन बोल के कुछ भी नहीं है सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड आप इंसान हैं एंड पास्ट में जो हुआ सो हुआ अभी आपको जो करना है इज़ गिव योर हंड्रेड परसेंट एंड थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड रखिए जब आप अपने करियर या फाइनेंसिस के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो आपको भी है कि आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाले हो सो बी वेरी केयरफुल ओवरऑल इट विल बी अ बैलेंस्ड सिचुएशन ठीक है सो दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 24 फोर आवर्स आई होप ये आपको अच्छा लगेगा रेजोनेट करेगा एंड अगर रेजोनेट किया हो तो प्लीज मुझे बताइएगा एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली मैं आपसे जरूर मिलूंगी अकॉर्डिंग के साथ टिल दैन टेक केयर एंड गुड बाय